गंगा बसे जटा में, माथे पर चंद्रमा है, नंदी की है सवारी, तो चलिए मित्रों, अभी सावन का पावन महीना चल रहा है और बाबा का जो दरबार है वो 2 साल के बाद खुला हुआ है। और यहाँ पे आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये बाबा धाम से लौटकर अपने गांव को जा रहे हैं। ये लोग हैं मधुबनी जिले के, हालांकि हमें ये मिल गए हैं जो बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है बाढ़िया। यहाँ पे ये लोग अपना खाना पीना बनाए और खाए हुए हैं। तो हम इन लोगों से, हालांकि ये लोग कई जगहों से घूम कर आ रहे हैं, इनके यात्रा के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए हम इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बाबा आपका नाम क्या हुआ? जलेश्वर दास। जलेश्वर दास जी, किसी मंदिर के बाबा? जी जी, वहाँ पे मधुबनी में। मधुबनी में ना है, उस गांव से अलग है, मधुबनी से अलग है। अच्छा, गिद्वास गाँव है, थान टोल गिद्वास गाँव। 35 फीट की मूर्ति बनल है। अच्छा, 35 फीट का, 35 फुट का जी। और आप भी गए हुए थे? हाँ, तो हम भी, हम लोग का घर यहीं पर है, एक ही जगह हम लोग है सब पूरा। कौन कौन सी जगह से आप लोग घूम कर आ रहे हैं? हम लोग घर से चले सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से बाबा धाम गए जल भर के पैदल, और बाबा धाम में जल चढ़ाए। रविवार को शाम में लाइन लगाए 6 बजे, सुबह में 4 बजे जल चढ़ा। उसके बाद गए बासुकीनाथ, बासुकीनाथ में सोमवार को जल चढ़ाए। उसके बाद वहाँ पर अपना खाना उना बना के वहाँ से हम लोग चल दिए प्रयागराज, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर। वहाँ से रास्ते में भी खाना बना के हम लोग खाएंगे, उसके बाद फिर घर को रवाना होंगे। लगभग काशी विश्वनाथ छोड़ी दिए, काशी विश्वनाथ भी गए थे, चले गए। हाँ हाँ, जो भी अधिकांश धाम है आप लोग घूम कर। हाँ हाँ, 5 धाम कट के आए। कितना दिन हो गया आप लोगों को घर से निकले? हम लोग को 20 तारीख को निकले हैं, आज 30 तारीख है। जी जी जी, हाँ हाँ, 20-7 को निकले हैं, आज 30-7 है। 31 तारीख है, 31 तारीख। अच्छा, 31 तारीख है, 31-7 हो गया। करीब आप लोगों को 12 दिन 12 दिन हो गया घर से निकला हुआ। हाँ, चलिए हम इधर भी इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबा आप भी किसी मंदिर के आए हैं? जय वंदे पूछिए। आए चलिए चलिए थोड़ा। और ये एक बच्चा है यहाँ पे, इधर आओ। अरे इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? ओम शिव सुंदर कुमार नायक। ओम शिव सुंदर कुमार नायक। ओम शिव सुंदर कुमार, ये तो बड़ा लंबा नाम है। अच्छा, तुम भी गए थे बाबा धाम? वहाँ पे बढ़िया लगा तुमको? यस। अच्छा, पढ़ते हो ना? हाँ। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। 4th क्लास में, तो अभी छुट्टी चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारे घर के कोई है? हाँ। कौन? मेरे पिताजी। पिताजी आए और यहीं लेकर गए थे। चलिए हम आपके पिताजी से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव नायक। इंद्रदेव नायक जी, चलिए यहाँ पे आप जो जो धाम यहाँ पे घूमे हैं, इसमें आपको सबसे बेहतर कौन सा लगा? वैसे तो सब धाम जो है वो भगवान की, मान लीजिए। देखिए, ऐसे धाम कोई कम नहीं है। जी जी, हम लोग घर से निकले थे तो देवघर गए, देवघर जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ गए, बासुकीनाथ जल चढ़ाने के बाद हम लोग काशी विश्वनाथ गए। जी जी, वहाँ बाबा का दर्शन किए, गंगा आरती में शामिल हुए। उसके बाद हम लोग जो है इलाहाबाद संगम आए, प्रयागराज संगम। प्रयागराज संगम में हम लोग संगम स्नान किए, यहाँ से घर के लिए गंगा जल लिए। अच्छा। उसके बाद हम लोग जो है चले गए आपको अयोध्या जी। अयोध्या जी में राम भगवान का जो अभी मंदिर बन रहा है, ये सब सारी देखे और भगवान का दर्शन किए। उसके बाद बहुत सारे मंदिर है, रामगढ़ी वगैरह, सीता कुंड, बहुत सारी है। उस सबको घूम फिर के हम लोग आ गए गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर में जाके बाबा का दर्शन किए। उसके बाद हम लोगों का ये लास्ट स्टॉपेज है जी। और यहाँ हम लोग खाना वाना बना के खाएंगे, उसके बाद हम लोग 7 बजे 8 बजे रात तक घर जाएंगे मधुबनी जिला गांव। मेरा जो पूछे थे कि आपको इसमें से सबसे बेहतर कौन सा लगा? सबसे बेहतर हमको लगा कि अभी जो नया घाट मोदी जी बनाए हैं काशी में, वो हमको सबसे सुपर लगा जी। भारत में सबसे सुंदर घाट अगर कोई है तो काशी विश्वनाथ का ये घाट है। अच्छा, यात्रा के पीरियड में आप लोगों को कोई परेशानी हुई? कहीं कोई परेशानी नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं जी। और रही बात प्रशासन की, तो बिहार सरकार का इतना धन्यवाद देना चाहते हम लोग कि 1000 में 1000 पॉइंट दे अगर तो कम पड़ेगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में हमारा 19 साल है और मेरे बुजुर्ग बम है, इनका 40वां साल लगातार कामर से है।
इनका 37 साल लगातार कामर से लगातार और 19 साल मान लीजिए कि लॉकडाउन छोड़ के लगातार 19 है मेरा। तो आज तक हमने कभी ऐसा व्यवस्था रोड में देखा ही नहीं था सुल्तानगंज से देवघर तक। अच्छा, एकदम व्यवस्था इस बार है, प्रशासन, पेयजल, शौचालय और रोड की तो व्यवस्था कहने की बात नहीं, इतना सुंदर कि आज तक हमने 19 साल में देखा ही नहीं था। और आशा करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट कोई भी हो बिहार में, कांवर यात्री के लिए, पांव पैदल चलने वालों के लिए 105 किलोमीटर, यही व्यवस्था कम से कम होना चाहिए, इससे बेहतर हो तो और अच्छी, जो आपकी साल की व्यवस्था है ये कम से कम रहना चाहिए, इससे बेहतर हो तो और अच्छी बात, कम से कम इतना रहना चाहिए। चलिए बाबा जी, आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप कितना 40 साल से वहाँ पे जा रहे हैं? 40 साल जी, और पिछले 2 साल आपका 2 साल गैप हुआ। तो इसमें आप लोग जितने लोग हैं, अधिकांश लोग बुजुर्ग ही हैं। हाँ बोलिए। हाँ, और तीर्थ करने के लिए जाते रहते हैं, मान लीजिए कि बुजुर्ग लोग जो है, वैसे तो तीर्थ करने का कोई उम्र तो फिक्स है नहीं? नहीं नहीं, कोई फिक्स नहीं। और कितने आदमी हैं आप लोग एक साथ? हम 50 आदमी हैं। एकदम 50 55 55 और ड्राइवर खलासी सब छोड़ के। आप लोगों को किराया कितना लगा है? किराया तो हम लोग को 3-3 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लगा है, एक आदमी को लगा है। जी जी, आप थोड़ा इधर आ जाइए। कहीं बोलो, ये भी आप लोगों के साथ है। कितनी बार गई है बाबा धाम में? 25 साल से थे ना। 25 साल से लगातार 25 साल से जा रहे हैं। लॉकडाउन में 2 साल नहीं गई। लॉकडाउन में 2 साल नहीं गई। अच्छा, आपके घर के और भी है कोई कि आप अकेले ही हैं? बेटा है, पति, वो बेटा है। अच्छा, सब लोग साथी में? पापा है, 4 आदमी छे। अच्छा, एक बात बताइए, लगभग मान लीजिए कि आप लोगों का तो किराया सो हुआ कितना खर्च लग गया होगा? खर्च का कोई अंत नहीं है, फिर भी एक अनुमान तो होगा, 15,000 रुपया एक जन पे, एक आदमी पे। आप लोग एक अनुमान तो, 5,000 अनुमान तो भाड़ा वगैरह लेकर कम से कम अगर खर्च करेंगे सही जी, न्यूट्रल तो 10,000 रुपया पड़ेगा। और अगर कोई सामान उमार ज्यादा हम खरीदते हैं घर के लिए तो जी, इसका तो लिमिट नहीं, तो 15,000-20,000 ऐसे आता है खर्च हम लोग का। लेकिन अगर 10,000 रुपया हो तो आराम से घूम के आ जाएंगे। जी जी जी। और अगर मान लीजिए खाली बाबा धाम जाना हो, बासुकीनाथ जाना हो, तो 5,000 रुपया में, 5,000 में बम बाबा धाम, 5,000-6,000 में फरी आ जाए। भाड़ो लगे है ना बस के? 3,000 भाड़ा, 3,000 खाना पीना, प्रसाद। आशा जो है वो पहले ही गाँव पे ही जमा करा, गाँव पे ही जमा करा लिया जाता है। रास्ते में सब कोई खाते पीते अपना आराम से घर जाते हैं। खाना बनाने वाले आप लोग स्पेशल लिए? नहीं, अपना खुद 50 का ग्रुप है ना, 55 का मिलकर, 55 का ग्रुप है ना, तो 55 बारीक है और 55 मिस्त्री है, 55 हलवाई है, हम लोग एक ही बात जानते हैं, सब हम लोग का ग्रुप का है, सब आप ही लोगों के साथ। अच्छा चलिए, अमित से आप ये भी है? कितनी बार गई है? 10 बार लगा। 10 बार लगातार की? लगातार, बीच में लॉकडाउन भाग गए तो नहीं गई। अच्छा, और आप अकेले ही हैं कि कोई और है? और नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अकेले लिए। ये बाबा जो है ये भजन सुना रहे हैं, बोलिए बाबा जी। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है, शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, जैसा है डमरू वाला, जैसा है डमरू वाला, कोई देवता नहीं है, शिव शंभु सा निराला। गंगा बसे जटा में, माथे पर चंद्रमा है, नंदी की है सवारी, अर्धांगनी उमा है, अर्धांगनी उमा है, अर्धांगनी उमा, जैसा है बंसीवाला,
कोई देवता नहीं है, शिव शंभु सा मृत की कामना में सब मथ रही थी सागर, निकला जहर वहाँ पर पीते हैं शिव शंकर, पीते हैं शिव शंकर, पीते हैं शिव शंकर। ओ विषे का पीने वाला, ओ विषे का पीने वाला, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है। जैसा है नाग बाला, जैसा है नाग बाला, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है। भोले शंकर भगवान की। आपका नाम क्या हुआ? राम नारायण यादव। राम नारायण यादव जी, बहुत बेहतरीन आप ये जो भजन गाए। गांव में आठ जाम भाग बतौरी होता है ना, उस मंडली में उनका महन जी नाम रखे, महन जी जानते हैं ना? जी जी जी। हाँ, 10 का 12 का एक सरदार होता है, वही हम लोग का मंडली में एक सरदार है, बहुत पुराना सरदार है, बहुत पुराना, और उसके पास में आज बात साज अभी नहीं है, इसलिए से गया वहाँ गाते हैं हम लोग का गाँव में, तो 150 आदमी सुनता है। भगवान की कृपा है इनपे, और भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे। और आप लोग तो यात्रा करके चले आए हैं, और बड़ा सुखद आप लोगों का यात्रा रहा है, और जो यहाँ तक की आपकी यात्रा हो वो भी आप लोगों की यात्रा मंगलमय होगी, और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो चलिए मित्रों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।